चंद्रपुर शहर के साथ समूचे जिले में राज्य सरकार की 4 करोड़ पौधारोपण मुहिम शनिवार से शुरू हुई, जिसे सफल बनाने के लिए लोग स्वसाह से आगे आए, जिसे पौधारोपण मुहिम जन आंदोलन का रूप लेते दिखाई दी। गत 7 जुलाई और संभवतः इस पखवाड़े तक चलने वाले अभियान की विविध संस्थाओं, गैर सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों, शालाओं तथा स्थानीय निकायों ने जोरदार शुरुआत की है। वन मंत्री श्री सुधीर मुनगन तिवार इनकी संकल्पना के तहत वृक्ष डंडी निकालकर जन जागृति की जा रही है। वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन का संदेश प्रदान किया जा रहा है। इसी के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक शाला चंद्रपुर और चंद्रनगर हिंदी उच्च प्राथमिक चंद्रपुर शहर मनपा इन स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में वृक्ष डंडी निकाली गयी। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक शाला में वृक्षारोपण कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर जतपुरा वार्ड नगर सेविका छपुताई परागड़े, नगर सेवक राहुल खोटेकर, नगर सेवक रवि आसवानी, नगर सेविका शीतलताई आत्राम इन मान्यवरों की उपस्थिति रही। पौधा देकर उपस्थितों का स्वागत किया गया। मान्यवरों के हाथों स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया गया, पश्चात वृक्ष डंडी की शुरुआत हुई। वृक्ष डंडी में उपस्थित मान्यवर, स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक वृंद शामिल हुए। वृक्ष डंडी में सांस हो रहे कम, आओ पेड़ लगाए हम, हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलिथीन का छोड़ना होगा विकल्प जैसे वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन का संदेश प्रदान करने वाले फलक विद्यार्थी हाथ में लिए चल रहे थे। इस वृक्ष डंडी के जरिए लोगों में वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन के लिए जन जागृति की जा रही थी। सरदार पटेल शाळेमध्ये वृक्षदिंडीचा कार्यक्रम राबवण्यात आलेला आहे। माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, हंसराज भैया आहेत, माझे आमदार नानाभाऊ शामकुडे यांनी जे उपक्रम राबवलेले आहे, माननीय सुधीरभाऊंनी वृक्षारोपणाचा आणि 34 कोटी वृक्षाचा जो उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणि आमच्या वार्डामध्ये पण आम्ही वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम घेतलेला आहे, त्यांच्या सुधीर भाऊ आणि नाना भाऊ हंसराज भैया अहिर यांच्या माध्यमातून आम्ही हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। त्याच्यात शाळेचे सर्व शिक्षक वृंद, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहे। आम्ही चारही नगरसेवक आणि आमचे माजी नगरसेवक दुमरे काका हे आम्ही या सरदार पटेल आणि रामचंद्र पटेल स्कूल या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आहे आणि वृक्षदिंडीचा कार्यक्रम मोठ्या संख्येने आम्ही प्रत्येक जटपुरा वार्ड प्रभाग 7 मध्ये राबवण्यात येत आहे आणि प्रत्येक गल्लोगल्लीमध्ये आम्ही हा कार्यक्रम नेऊन शाळेमध्ये झाड आणि वार्डामध्ये प्रत्येक झाड लागण्यात येणार आणि त्या वृक्षाची वाढ कशी होणार त्याची पण काळजी घेणार आणि सर्व शिक्षक लोक पण त्या काळजीपूर्वक त्यांना पाणी टाकून त्यांना मोठं करणार। बस आज हमने हमारे प्रभाग के सरदार वल्लभभाई पटेल स्कूल और रामचंद्र हिंदी स्कूल, इन दोनों के स्कूल को मिलाकर वृक्ष डंडी निकाली है। सभी नगर सेवक मिलकर सुधीर भाव का जो सपना है 4 कोटि वृक्ष, यही सपना सुधीर भाव का लेके हम बच्चों को शिक्षा देके कि झाड़ के क्या महत्व होते हैं, ये महत्व देके सुधीर भाव ने जो चीज कही है कि बच्चों को सिखाया जाए झाड़ कैसे लगते हैं, ये विषय पे हमने बच्चों को स्कूल में बुलाया और वृक्ष डंडी निकाली। पूरे वार्ड में घूम के चार ही नगर सेवक, मैं शबुताई वरागड़े, राहुल घोटेकर जी, रवि आसवानी तथा शीतलता आत्राम, सब लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम सावरा किया है। मैडम लोगों ने
और वैद्यकीय अधिकारी इन लोगों का बहुत सहयोग रहा है। हम चाहते हैं ऐसे ही सहयोग उनका हर साल बने रहे और विश्व जुंडी सुधीर भाव का सपना वर्तम पूरा करते रहे। बोलो कहाँ पे बस।